हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अमेजोन पे बैलेंस के बारे में, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे बोल रहे थे कि सर अमेजोन पे बैलेंस को कैसे कन्वर्ट करें या कैसे ट्रांसफर करें हमारे बैंक अकाउंट में अगर हमारे पास पड़ा है अमेजोन पे बैलेंस। तो गाइज, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं अमेजोन पे बैलेंस के बारे में। तो यार, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप अपने अमेजोन पे बैलेंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते रिचार्ज वगैरह बाकी चीजों में। बाकी गाइज, मैं सभी लोगों से ये बोलूंगी, अगर आपके पास अमेजोन पे बैलेंस मिला तो यार उसे रिचार्ज वगैरह में इस्तेमाल करो, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा कैशबैक मिलता है एज कम्पेयर टू पेटीएम। बट गाइज, आप लोग चाहते हैं कि अपना जो पे बैलेंस है वो ट्रांसफर कर सके अपने अकाउंट के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप नए आए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। बगल में बेल आइकन आ जाएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि यार आपका एक सपोर्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा और एक लाइक भी मुझे बहुत अच्छी लगेगी। और गाइज, बात करते हो इंस्टाग्राम की, तो गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करते और बात करते तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और गाइज, सभी लोगों को बता दूं, आप लोग अगर टेलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो वहां पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फाइनली मैं टेलीग्राम पे आ चुका हूं, तो प्लीज यार आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बहुत सारा कैशबैक मिल रहा है हमें, जैसे कि 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही साथ आपको कैशबैक मिल रहा है पे बैलेंस के तौर पे। तो आप कैसे अपना पे बैलेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो यही बात बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइज, मैं बता दूं कि आपको अपना अमेजोन अकाउंट जो है वो पीसी में लॉग इन कर लेना है, इजिली रहता है पीसी में, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में इजिली नहीं रहेगा, मोबाइल में भी इजिली रहेगा, बट ऑप्शन जो है ढूंढने में तकलीफ होता है। तो इसलिए आप पीसी में लॉग इन कर लो या मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र के अंदर लॉग इन करके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना। उसके बाद सभी लोगों को यहाँ पर अपना माई अकाउंट का जो ऑर्डर है वहां पर योर अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है। देन आपको सबसे नीचे यहाँ पर मोर वेज टू पे आएगा और यही सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपके सेटिंग में जब जाओगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ये आपको अमेजोन ऐप के ऊपर। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट फॉर रिफंड आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर जो है अपना बैंक अकाउंट डाल लेना है। तो मैंने अपना एक बैंक अकाउंट डाल रखा है एंड देन अपना जो लिंक कर रखा है अपना बैंक अकाउंट इससे ऑलरेडी। तो यहाँ पर लिंक करने के बाद जब आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे यहाँ पर, तो सिंपली आपको कॉन्टैक्ट करना है अमेजोन पे कॉल करके। तो वहां पर आपको बताना है कि सर मेरे अकाउंट में 1000 रुपये या 1000 रुपये से ज्यादा कम से कम अमाउंट होना चाहिए। ये अगर आपके अमेजोन पे बैलेंस में 1000 रुपये या 1000 रुपये से ज्यादा है तो ही आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, वरना नहीं करवा पाएंगे। तो उन्हें बोलना है कि सर मेरे अमेजोन पे बैलेंस में 1000 रुपये है और आपको वो जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करने अपने बैंक अकाउंट में, तो वो ट्रांसफर की जो प्रोसेस है इनिशिएट कर देंगे अपनी तरफ से और वो जो है ट्रांसफर हो जाएगा विद इन 7 to 8 days लगता है ट्रांसफर होने में, और वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे सक्सेसफुली। और गाइस, टर्म एंड कंडीशन में सभी लोगों को बता दूं कि आप एक अमेजोन अकाउंट को एक ही बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। अगर आपने 3 ID बना रखी है अमेजोन की और आप सोचो मैं तीनों में सेम बैंक अकाउंट लिंक कर दूं, तो गाइस प्लीज वो आपके ट्रांसफर नहीं करेंगे पैसे, इसलिए आपको पता लग जाएगा जब आप कॉल करके बात करेंगे। और गाइस, सभी लोगों को ये बता दूं कि कम से कम 1000 रुपये ट्रांसफर की लिमिट होती है कि आपके अमेजोन अकाउंट में 1000 रुपये होने चाहिए। और सेकंड और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके अमेजोन में आपका बैंक अकाउंट जो है पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, और प्लस में आपका अमेजोन अकाउंट में जो 1000 रुपये हैं वो सफिशियंट होना चाहिए और कम से कम उसे 1 हफ्ता मतलब हो जाना चाहिए अमेजोन पे बैलेंस पे रखे हुए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आप अमेजोन पे बैलेंस पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें। आई होप आपने मेरा चैनल एंजॉय करा होगा, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, प्लस में बेल आइकन भी दबा देना, और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, टेलीग्राम पे भी आ चुका हूं तो टेलीग्राम पे भी जल्दी से भाग के ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।